नेताओं से मिले, सबसे मिले, उनका अधिकार है। जिस समय ये पता उन्हें चला, ये जो सर्टिफिकेट का मामला है इसी से सारा मामला शुरू हुआ है। जब मेरे बयान आए तो कुछ क्राइम रिपोर्टर ने आकर मुझे कहा कि वानखेड़े साहब आपसे नाराज हैं। मैंने कहा कि क्यों नाराज है भाई? बोले कि इसके नतीजे गंभीर होंगे। मैंने कहा अधिकारी की इतनी हिम्मत हो गई, उन्हें बता दो कि उनका पूरा शिजरा, उनकी माँ कौन थी, बाप कौन थे, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जाली सर्टिफिकेट पे नौकरी ली है। अगर ज़्यादा उनको समझ में आ रहा है तो मैं ये सारा मामला प्रेस को बताता हूँ। उसके बाद ही हमारे दामाद को पकड़ा गया, 8.5 महीने जेल रखे गए, ताकि नवाब मलिक कभी बंडा फोड़ करे तो उसकी बातों को लोग गंभीरता से ना लें। शुरुआत में दामाद दामाद को लेकर शोर मचाया गया। हमें लगता है इससे पहले भी वो अठावले साहब से मिले थे, इससे पहले भी कई दलित नेताओं से मिले, अठावले साहब उनके साथ खड़े हैं। अगर दलितों का कोई हक छीन ले और नेता उनके साथ खड़े रहे, हमें लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। कोई नेताओं से मिले, सबसे मिले, उनका अधिकार है। लेकिन एक और बात कहता हूँ कि जब मैंने ये शुरुआत की, कई लोग मुझे मेरे जानने वाले आकर बोल रहे थे कि आप रुक जाइए, शाहरुख खान को बताया जा रहा है कि तुम्हारे बोलने की वजह से तुम्हारा लड़का फंसते जा रहा है। जिम्मेदार लोग भी बोले, मेरे नज़दीक के लोग भी बोले, उसे डराया गया कि नवाब मलिक को रोका जाए। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरा एक वकील है लड़का, कुछ वकील उसको भी अलग अलग तरीके से उसका दिमागी तौर पे ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो भी घर में आके पूरी तरह से डिसमूड था, अपनी माँ को कहता था, मुझे कहता था कि डैडी बस करो, मत करो। दूसरे लड़के को डराया गया, वो भी प्रेशर में था, लेकिन उन्हें पता नहीं कि डराने से कोई व्यक्ति डरता नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ड्रग का मामला बहुत बड़ा होता है, इसमें बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं, गुंडे इन्वॉल्व होते हैं, आपकी जान जा सकती है। प्रयास तो हुआ मेरी जबान बंद करने का, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हम इसे लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, जो जिसको करना है वो करे। कोई ये कहता होगा कि नवाब मलिक को मार देंगे, मेरा पूरा विश्वास है जिस दिन मरना है मैं मरूंगा। और लोगों को कहना चाहती हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं कि मर गए मारने वाले।